सत्यकाल सलामकुम जनाब कैसे हो आप से भाई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे सो वी आर बैक अगेन विद एन इलेक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है एक अमेजिंग वीडियो हमने वीडियो बनाई थी गाइज ध्रुव राठी की जिन्होंने जिसमें उन्होंने बताया था कुरान और बाइबल से रिलेटेड कुछ yes. तथ्य और हिंदू हिंदुज़म से रिलेटेड कुछ बातों ने बताई थी तो बहुत लोगों के कमेंट थे उस वीडियो में कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है इस्लाम के रिलेटेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है इस्लाम के रिलेटेड तो यहाँ तक मैंने देखा तो ध्रुव राठी ने कुछ इतना ज़्यादा बताया नहीं उसमें इस्लाम के रिलेटेड बहुत ही रेयर बताया और क्या पता उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है क्योंकि उनको भी इतना ज़्यादा नहीं पता होगा जो रिलीजियस के डीप ज़्यादा जानते हैं जो रिलीजियस बार उनको भी पता होगा उससे बात है तो उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करा हालांकि पूरी वीडियो में ये रख लो कि टेन टू ट्वेंटी परसेंट किया क्रिश्चियनिटी का उन्होंने ज़्यादा जिक्र किया और हिंदू रिजन का कुछ ज्यादा जिक्र किया इस्लाम के बारे में उन्होंने बात बड़ी ही रेयर करी है वही करी थी प्रोफिट इब्राहिम और उनके वो चीजों के बारे में बस बाकी नहीं तो फिलहाल उसके ही एक काउंटर वीडियो हम देखने वाले हैं आज और ये वीडियो होने वाली है ब्रीफ एनालिस ऑफ थ्रू फाठी वीडियो कि उनकी वीडियो के बारे में बताएंगे कुछ मिस्टेक्स होंगे तो इस वीडियो में पता लगेगा रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल सो ये वीडियो होने वाली है वसिस बातल यूट्यूब चैनल है उनकी वीडियो है और इन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देना जाके जरूर सब्सक्राइब करना बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं भाई Link इनकी दिस्क्रिण मैंने दिस्क्रिण एक दो वीडियो देखना इनकी इनफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाके चेकआउट कर लो और इनकी हम और भी अमेजिंग वीडियो बनाते रहेंगे तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना इनकी ये वीडियो निकाल के भाई नीचे कमेंट्स भर देना हमारे नाम से जो नेहा को प्यार करते मुझे प्यार करते हैं तो कमेंट्स में लिख देना भाई वहाँ जाके सो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अब्राहमिक रिलीजन पर एक वीडियो बनाई जिसको मैंने भी देखा एक मुसलमान होने के नाते मेरा ध्रुव राठी को रेस्पॉन्स देना फर्ज है इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है इस वीडियो का कतई ये मकसद नहीं है की ध्रुव राठी को गलत ठहराया जाए क्यूँकी अपनी ट्वेंटी मिनट की वीडियो के अंदर जो भाईचारा ध्रुव राठी ने कायम करने की कोशिश की है मेरे हिसाब ऐसी उसमें वो बिल्कुल कामयाब होते हुए दिखते है ध्रुव राठी की नीयत बिल्कुल साफ है उन्होंने अनबायस होकर तीनों इब्राहिम

से अच्छा खासा मुतासर हूं यह तो हो गई भूमिका

बनो किसी और की पूजा मत करो यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं ये एक बहुत ही गलत नोशन है तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं ये एक बहुत ही गलत नोशन है तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं ये एक बहुत ही गलत नोशन है ध्रुव भाई मुझे कहना पड़ेगा कि आप यहाँ पर गलत हैं सारे के सारे मुसलमान सारे के सारे गैर मुसलमान को काफिर ही समझते हैं जैसे सारे के सारे हिंदू सारे गैर हिंदू को गैर हिंदू ही समझते हैं जैसे सारे के सारे क्राइस्चंस सारे के सारे गैर क्राइस्च को गैर क्रिस्चन ही समझते हैं जैसे की क्रिकेट खेलने वाला नेशन हमारा प्यारा इंडिया गैर क्रिकेट खेलने वाले किसी भी नेशन को गैर क्रिकेट खेलने वाला नेशन ही समझता है ये बड़ी मोटी सी बात है अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर मानने वाले को कहते हैं मुसलमान और अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर यानी अरबी भाषा के अंदर अरबी जबान के अंदर ना मानने वाले को कहते हैं काफिर काफिर लवि रेप्रजेंटेटिव टर्म नहीं है ना ही कोई नेगेटिव टर्म है हैरानी होगी की कुरआन के अंदर सौ से ज्यादा चैप्टर है जिसमे मुसलमान नाम से कोई भी चैप्टर नहीं है जबकि काफिर नाम से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर वन हंड्रेड एंड नाइन और उसके अंदर सिक्स सेंटेंस हैं जो प्रॉपर आपको काफिर की डेफिनेशन दे देंगे कुरान चैप्टर वन हंड्रेड एंड नाइन वर्स नंबर वन टू सिक्स चैप्टर नेम काफिरून कह दो कि ऐ ना मानने वालों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम पूजा करते हो ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ ना ही मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम पूजा करते हो ना ही तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है मेरा मजहब मेरे लिए है ये चैप्टर काफिरून था कुरान का आपने देखा ये कितना टॉलरेंस वाला चैप्टर है ये एक ऐसी किताब है कुरान जिसने अपने मानने वालों यानी मुसलमान को गैर मानने वाले लोगों के साथ यानी काफिरों के साथ टॉलरेंस से रहना सिखाया है ये कहते हुए कि आपका धर्म आपके लिए है और मेरा मजहब मेरे लिए है जबकि ये भी एस्टेब्लिश कर दिया है हम एक दूसरे के महबूद की पूजा या इबादत नहीं करते आगे चलते हैं अपनी वीडियो में फोर्टीन मिनट थर्टी सिक्स सेकेंड पर ध्रुव राठी कहते हैं की लिबरल मुस्लिम के हिसाब आप से कोई भी इंसान किसी भी का है किसी भी देवी देवता बुत, डीटी इमेज के सामने झुकता है तो वो भी मुसलमान है आप ये क्लिप देखें भगवान के सामने झुकना और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के परस्पेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है एक्चुअली में ऐसा है उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे अगर आप कुरान चैप्टर टू वर्स सिक्सटी देखोगे तो उसमें जूस क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है बिलीवर्स ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते ध्रुव भाई आपकी नीयत बिल्कुल साफ है लेकिन मजहब के बेसिक फाउंडेशन को लेके हम मुसलमान बड़े हैं हम इतने सेंसिटिव हैं कि पूरे कुरान को हम लव मेमोराइज कर लेते हैं इस वक्त आपको दुनिया के अंदर एक करोड़ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कुरान को हरफ बाई हरफ यानी पॉइंट बाई पॉइंट रटा हुआ है आपने जो सूर्य बकरा आयत सिक्सटी का रेफरेंस दिया है उसमें अल्लाह सुबहाना उला नबी असला सलाम को पास्ट के बारे में बता रहे हैं जो नबी नहीं जानते थे यह बता रहे हैं कि पास्ट में जूस क्रिश्चियन और सेबेस्टियन एक ही अल्लाह की इबादत करते थे लेकिन नबी के जमाने में प्रेजेंट टाइम में क्रिश्चियन तीन खुदाओं को मानने लगे हैं इसीलिए नबी असला तो असलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि लिबरल मुस्लिम के हिसाब से कोई भी इंसान किसी भी डीटी मूर्ति इमेज की पूजा करे वो भी मुसलमान है बल्कि कोई इंसान सिर्फ एक परमात्मा एक ईश्वर एक निरंकार को माने तो उसको मुसलमान कहे या ना कहे वो मुसलमान ही है क्योंकि कुरान मुसलमान की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देता है वमन वो जो अल्लाह के बारे में बात करने में सबसे अच्छा है वो वह अमिलाह और सुह अमल करे और नेक अमल करे और अच्छे काम करे वकाला, फिर कहे काला इन्नली मिलल मुस्लिमीन मैं मुसलमानों में से हूँ लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है उस पर चलते हैं अपनी वीडियो में 19 मिनट एंड 33 सेकंड पर ध्रुव राठी कोट करते हैं सूरे बकरा की आयत 5। ये आयत नंबर कहती है कि जंग के मैदान में काफिरों को को जहां भी देखो उनको मार दो ध्रुव राठी इस आयत को ऐसे डिफाइन करते हैं की ये आयत हाईली कॉन्टेक्सचुअल है और कुरैश कबाइल से जंग करते हुए ये आयत नाजिल हुई थी तो मैं इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ जो ध्रुव राठी ने नहीं बताया आयत सिक्स कहती है की जंग के मैदान के अंदर अगर कोई मुश्रिक अगर कोई आपका दुश्मन आपसे प्रोटेक्शन मांगे तो आपको सिर्फ उसे प्रोटेक्शन ही नहीं देना है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि जंग के दौरान ही आप उसको एक महफूज जगह पर ले जाएं और उसकी हिफाजत करें थोड़ी सी बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के डिस्क्रिप्शन के बारे में जो उन्होंने अपना कमेंट पिन किया है उन्होंने लिखा है सम मुस्लिम सेज दैट हाउ कैन बी आइडियल ऑफ गॉड वेन ही हैज नो बॉडी वेल हदीस सेज मोहम्मद पीस पिस् इफ एनी वन ऑफ यू फाइटिंग विद हिज ब्रदर ही शुड अवॉइड हिस्स फेस फॉर इंडीड अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज ओन इमेज ध्रुव भाई आप यहाँ पर बिल्कुल जो ट्रांसलेशन आप इंटरनेट पर मिला है आप उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं की नबी असलातूसलाम ने फरमाया कि जब भी आप आपस में झगड़ा करो तो चेहरे पर कुछ मत मारो क्योंकि चेहरा तो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने चेहरे पर बनाया है ये बात ठीक नहीं है क्योंकि आप तो अरबी नहीं जानते तो जो ट्रांसलेशन आपको आपको मिला आपने आपने वही लिख दिया। लिखा, सही नहीं है। मैं आपको लवस लवस इसका अरबी से ट्रांसलेशन करता हूं फल्ला और अल्लाह ने खला का बनाया आदमा आदम को आला सबसे बेहतरीन सूरत ही सूरत पे नबी असलातू असलाम कह रहे हैं कि जब भी मुसलमान आपस में झगड़ा करें कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो फेस को अवॉइड करो क्योंकि अल्लाह ने आदम की सूरत सबसे बेहतरीन बनाई है आगे आप कोट करते हैं कुरान थर्टी एट सेवेंटी फाइव जिसमे अल्लाह सुबहाना ताला इबलीस से कहता है कि तूने सजदा आदम को क्यू नहीं किया जबकि मैंने आदम को अपने दोनों हाथ से बनाया आप बिल्कुल ठीक है इसमें और तर्जुमा भी आपने यानी ट्रांसलेशन भी आपने बिल्कुल ठीक ही लिया है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुरान के लिंग्विस्टिक को और उसके लिटरेचर को समझने की जरूरत है क्योंकि इंसान हर चीज को अपने हाथ से ही बनाते हैं तो ये लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम है जब भी क्रिएशन का जिक्र आता है तो चाहे वो अल्लाह सुबहाना उतला ही हो उसको इंसान को समझाने के लिए हाथ की बात करनी ही पड़ेगी लेकिन जो मुसलमान मुसलमान होने को जानते हैं कुरान को जानते हैं वो ये जानते हैं कि हम अल्लाह सुबहना को फिजिकल फॉर्म में नहीं मानते क्योंकि कुरान कुरान कहता है सूर्य नूर के अंदर अल्लाह ही नूर समावात वल अर्द अल्लाह नूर है जमीनों का और आसमानों का और उसके नूर की मिसाल है फिर एक मिसाल बयान की गई है वीडियो लंबी हो जाएगी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता मुक्तसर ये कि हम मुसलमान ये जानते हैं कि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड ही दुनिया में नहीं है की फिजिकल वर्ल्ड में हाथ की बात की जाए इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा एक और रियलम है यानी एक और इसी के साथ में यूनिवर्स है जो इसी के अंदर है कोई डिफरेंट यूनिवर्स नहीं है जो जिन्हों की दुनिया है जिसको बोलते हैं एनर्जिकल रीम जैसे कि ये फिजिकल राइम है वैसे ही वो एनर्जिकल राइम है फिर इसी दुनिया के अंदर एक और डायमेंशन है फरिश्तों के लिए जिसको बोलते हैं नूरी दुनिया बहुत सारी दुनियाएं हैं अल्लाह सुबहाना ताला इन सब दुनियाओं से पाक यानी क्रिएशन को बनाने वाला क्रिएशन से पाक है क्रिएशन को बनाने वाला क्रिएशन से परे है फिजिकल वर्ल्ड को बनाने वाला फरिश्तों की नूरी दुनिया से परे है हम उसको किसी भी सांचे में नहीं ढालते अल्लाह की आइडियल बनाना और इमेज को सोचना तो दूर की बात हम मुसलमानों ने आज तक अपने नबीलाम की कोई इमेज तक नहीं बनाई है अल्लाह की इमेज के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कुरान कहता है, वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद उसकी कोई मिसाल ही नहीं है जब उसकी कोई मिसाल ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसा ना फिजिकल दुनिया से और ना किसी और दुनिया से नाजरीन बने रहे हमारे साथ इस सफर में क्योंकि सफर हमारा है सो so गाइस ये थी वीडियो हक वर्सेस बातिल यूट्यूब चैनल की भाई बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन्होंने अपने कंसेप्ट क्लियर करे हैं और बहुत ही ज्यादा नॉलेज के साथ इन्होंने समझाया है हालांकि ये बहुत ज्यादा समझाना चाहते थे बहुत अच्छी कि उन्होंने उनको बिल्कुल भी गलत नहीं हाँ, बहुत उन्होंने कहा कि आप भी सही है बट दूसरी बात है कि नॉलेज की बात होती है अब ये एक मुस्लिम है तो इनको ऑब्वियस बात है अपने धर्म की पूरी ए टू जेड नॉलेज होगी इन्होंने बुक्स पढ़ी हुई कुरान पढ़ी होगी तो इनका पता होगा ध्रुवराठी भाई ने मे बी ना पढ़ी हो उनकी टीम ने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी होगी उन्होंने वही बोला क्योंकि तो उनके पीछे रिसर्च टीम होती है ध्रुव भाई के उनका काम होता पास है सही हाँ, 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 बात है कुछ उनका होगा तो इन्होंने क्लियर कर दी वो चीज़ें जो भी थी और बाकी इन्होंने बस बताया था और काफी वर्ड को लेकर ध्रुवराठी भाई ने तो इन्होंने कहा कि जो मतलब गैर मुस्लिम होते हैं वो तो हम बोलते हैं हिंदी में लेकिन गैर मुस्लिम को अरेबिक लैंग्वेज में बोलते हैं काफिर तो इस वजह से भाई एक वर्ड ये सुनने में इतना अजीब सा लगता है कि काफिर की कोई कुछ गलत कह रहा है ना कि तुम बड़े अलग हो हमसे या कुछ ऐसे तरीके से तो उस बात पर जी तो बाकी ये थी वीडियो अमेजिंग वीडियो थी और वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है हक पत्ती इस बात है यूट्यूब चैनल का तो जाकर जरूर एक बार देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इनके सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में